नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जयपुर में किया हाईटेक बस टर्मिनल का लोकार्पण, यात्रियों को मिलेगी एसी वेटिंग रूम सहित कई सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने किया गृह रक्षा निदेशालय के नए भवन का उद्घाटन, होमगार्ड के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अवधि को 5 से बढ़ाकर किया 15 साल। प्रदेश के 5 संभागों में खोले जाएंगे आरकेट सेंटर। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी एडवांस टेक्निक के बारे में युवाओं को मिलेगी जानकारी। जयपुर के सिंधी कैंप में बने हाईटेक सेंट्रल बस स्टैंड का मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को लोकार्पण किया। बस टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण पर लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा के लिए 8 बस, यात्री शेड, बुकिंग विंडो, ऑफिस यूज के लिए बेहतरीन कक्ष, यात्रियों के लिए आधुनिक शौचालय, एयर कंडीशनर वेटिंग रूम, फूड कोर्ट और कमर्शियल यूज के लिए कैंपस भी बनाया गया है। टर्मिनल कैंपस में यात्री और उनके सामान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाई स्पीड वाईफाई सुविधा का भी यात्री लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विद्याधर नगर में गृह रक्षा निदेशालय के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स और होमगार्ड वॉलंटियर्स की बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही होमगार्ड को एक मजबूत और कारगर संगठन बनाने के लिए काम करती रही है। कोरोना महामारी के कठिन समय में होमगार्ड्स ने चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं दी, वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड विभाग को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपकी ड्यूटी, आपका कैरियर काम करने का, आपका समर्पण, आपकी प्रतिबद्धता, आपकी निष्ठा कोई कम नहीं है। अब नया जब ये पूरा भवन बन गया है तो अधिकारी भी भवन में बैठ करके उस तरह की सोच के साथ में, उम्मीद करता हूँ कि डीजी साहब, इनके अधीनस्थ अधिकारी, सब लोग होमगार्ड के बारे में और क्या कर सकते हैं, सब मिलके बताएं मुझे अगले 3-4 महीने में कि देश के किस राज्य में सबसे अच्छी व्यवस्था होमगार्ड के लिए, वो व्यवस्था राष्ट्र में लागू करने की मैं सोच सकता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपकी एक मांग जो मुझे बताई गई बार बार होती रहती है, होमगार्ड के और होमगार्ड वॉलंटियर्स है, पर 5 साल में इनका अनुबंध नवीनीकरण कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है। ये 5 साल की अवधि बहुत जल्दी आ जाती है और आपको तकलीफ भी होती है, कई लोगों का हो पाता, कई लोगों का नहीं हो पाता है, नहीं होने के कई अन्य कारण भी होते हैं, फिजिकल भी होता है और भी कोई शिकायत हो सकती है, भेदभाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कह के अब ये 5 साल की अवधि आपकी सीधी 15 साल की जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों से आमजन को राहत मिल रही है। इन कैंप्स में राज्य सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं का सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है। महंगाई राहत कैंपों के जरिए अब तक 1,23,00,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं, तो वहीं 5,63,00,000 से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है। आप देखते हैं कि किस तरह कामयाब हो रहे हैं, 1,20,00,000 परिवार के जुड़ चुके हैं, तो 5 करोड़ के लगभग कार्ड बन चुके हैं, गारंटी कार्ड। इसकी में एक से बढ़कर एक है, चिरंजीवी जैसी योजना तो अमीर हो या गरीब हो, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जहाँ 25,00,000 का बीमा रिलैक्स हो गया हर परिवार, क्योंकि कर्जा लेके इलाज कराना पड़ता है, इतना महंगा इलाज है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा देने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी पर कानून बनाने का आग्रह किया है, ताकि देश भर में लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं से प्रदेशवासियों को सोशल सिक्योरिटी मिली है। मैंने प्रधानमंत्री को कहा है, मोदी जी को, आप एक बार कानून बनाओ सोशल सिक्योरिटी कानून बनाओ हर परिवार को,
देश के अंदर है, जो गरीब है या जो नीडी है, जरूरतमंद है, उन तमाम के परिवार का पालन पोषण करना सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये दुनिया के मुल्कों में है, वहाँ वीकली और फोर्टनली भला मिलता है। यहाँ पे भी हम लोग 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं अभी पेंशन, जिसमें बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, विधवाएं भी है और साथ में निशज्ञ भी है। अभी हमने बढ़ा करके 500 रुपये का, 750 रुपये का सबका कह दिया, कम से कम 1000 रुपये सबको मिलेगा। इस प्रकार के फैसले ने किए हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर। राजस्थान की होनहार बेटी अवनी लेखरा ने कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रजत पदक अर्जित कर एक बार फिर राजस्थान को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने अवनी लेखरा की इस उपलब्धि पर उनको ट्वीट कर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि अवनी, आपके जज्बे को सलाम। प्रदेश के अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यानी आरकेट केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। नए आरकेट केंद्र कोटा के सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन, उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन, भरतपुर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग, अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और बीकानेर के स्कूल इनोवेशन हब में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से युवाओं को ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी की एडवांस्ड टेक्निक के बारे में जानकारी मिलेगी। दौसा जिले की जीपी पामाड़ी पीचूपाड़ा में आयोजित महंगाई राहत कैंप में जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। महंगाई राहत कैंपों को लेकर लोगों में उत्साह बरकरार है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक की ग्राम पंचायत मांडा में महंगाई राहत कैंप में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। गुरु पुष्य संयोग के अवसर पर गुरुवार को देवस्थान विभाग के तहत आने वाले प्रदेश के सभी मंदिरों में ओम लिखी पीली ध्वजा फहराई गई। देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने हवा महल के पास तलकी मंदिर में ध्वजा फहराई और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर देवस्थान मंत्री ने कहा कि पूरा विश्व कई सालों से कोरोना महामारी से त्रस्त रहा और आमजन को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुरु पुष्य संयोग के अवसर पर मंदिरों में पीली ध्वजाएं फहराने का उद्देश्य आमजन के सुख और स्वास्थ्य की मंगल कामना करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक समरसता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरु पुष्य नक्षत्र आज है, श्री गुरु ही नमः, और गुरुवार भी है। कई दिनों में ऐसा, कई महीनों में ऐसा संयोग बैठता है कि रवि योग, सिद्धि योग, सारे योग संयोग से नक्षत्रों के हिसाब से बैठते हैं। तो इस पे हमारा जो परंपरा है, हमारी प्राचीन काल से भारत देश की चली आ रही है, उस परंपरा में ध्वजारोहण का एक अलग ही महत्व है कि मंदिर के ऊपर ध्वजा किस लिए लगाते हैं, कि सदा खुशहाली की पताका लहरती रहे और इसी तरह पूरे प्रदेश में खुशहाली रहे, देश में खुशहाली रहे, ये खुशहाली का प्रतीक है। तो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।